और ये चने जनाब आपको मिलेंगे यहाँ से, यानी देखिए ज़बरदस्त किस्म का ड्राई फ्रूट है इनके पास सारा। उसके बाद ये मूँगफली जनाब आपको मिलेगी, और ये जनाब नीचे रेड़ी के नीचे आग जल रही है, ऊपर पूरा जनाब ये लकड़ी का भी सामान रखा हुआ है जो आग जला रही है जिसके साथ, और साथ ऊपर ड्राई फ्रूट और मकई हर चीज़ आपको देखिए छोटी सी जगह पर मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल देखते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब भी करें। तो आज का ब्लॉग जनाब मैं जा रहा हूँ, एक मेरे व्यूवर थे, आपको पता है लास्ट टाइम मैं जनाब बनाई थी, मैंने ड्राई फ्रूट के ऊपर एक ब्लॉग किया था, तो व्यूवर ने देखा तो उन्होंने कहा जी, गिला भी किया बल्कि कि यार हम आपके हमसाए भी हैं तो आपने हमारा ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि उनकी भी ड्राई फ्रूट की शॉप तो नहीं है। वो आपको वीडियो में आगे जाके मैं बताता हूँ क्या है जनाब वो जगह कौन सी है और किस जगह से आप ये ड्राई फ्रूट जाके ले सकते हैं, और काफ़ी सस्ते दामों में आपको ये ड्राई फ्रूट मिलेगा। तो मैं अब वो शॉप जब उन्होंने देखी, उन्होंने कहा जी हमारे पास आए आप, तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर मैं आज उनका जो गिला है वो दूर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग जाके उनकी जो भी जगह है वो आपको भी वीडियो में जाके पता चल जाएगी, तो वहाँ जाके बनाते हैं, बड़ा मज़े का ब्लॉग होने वाला है, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। तो आइए बिला तखीर अब चलते हैं। ले व्यूअर्स, हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं, और आज खान साहब का जो गिला है वो भी इंशाल्लाह दूर करेंगे। ये देखिएगा बस यहाँ से जैसे हम मुड़ेंगे आपको ये रेडी मिल जाएगी जी, इनकी ये देखें ये सामने। क्या हाल है हाँ साहब, ठीक है? ले जनाब ये ड्राई फ्रूट है जनाब इनके पास, क्योंकि मुझे स्पेशल उन्होंने बोला है कि जी आप बड़ी बड़ी शॉप पे जाके करते हैं, हमारा ब्लॉग क्यों नहीं बनाते। तो ये जनाब वो सामने देखेंगे, बड़ा मशहूर केले फूल है ये सामने जो आप देख रहे हैं हादमा जी रोड के ऊपर और ESC के करीब है, और सामने ये मुल्तानी ढाबा है, इसके सामने जनाब ये रेड़ी लगाते हैं। हाँ साहब, बड़ा जब सर्दियाँ आती हैं तो ड्राई फ्रूट लगाते हैं, जब गर्मियाँ आती हैं तो फिर ये चेंज करते हैं जी अपना जो रेड़ी का सामान वगैरह। तो अभी अब आपको बताते हैं जी, ये इनके पास रेवड़ी है, ये देखें टेस्ट भी करेंगे हम, ये देखें ये रेवड़ी, और ये जनाब सेंगियाँ जो हम पंजाबी में कहते हैं, ये निम्को है इनके पास, ये जी पूड़ा होता है, पूड़ा ये मीठा होता है, ये भी बड़ा फ्रेश है इनके पास, और ये वो मैदे की सवैयाँ, और ये बेसन की है, और ये चने जनाब आपको मिलेंगे यहाँ से, यानी देखिए ज़बरदस्त किस्म का ड्राई फ्रूट है इनके पास सारा। ये जनाब ये बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद ये मूँगफली जनाब आपको मिलेगी, और गर्म अगर मूँगफली आप करते हैं तो गर्म गर्म भी आपको ये देंगे जनाब यहाँ, अभी इंशाल्लाह बनवाते हैं। तो ये देनी कहने के सुबह से बेचारे आए होते हैं, और रात मैं देखता हूँ इसको कि रात 10-11 भी बज जाते हैं, और धुंध है पूरे यानी एरिया में, और ये बेचारा इधर रेड़ी लगा के ये जनाब कहले के अपना जरिया माश कमाते हैं। तो आज इनका जनाब गिला है वो भी दूर करेंगे कि ये जनाब आज का ब्लॉग इन्हीं के नाम पर करते हैं। और देखिए इन्होंने जनाब ये काजू बादाम भी है इनके पास, और ये है कि आप यहाँ से अपनी डिमांड के मुताबिक 10 रुपए की भी अगर आप मूँगफली लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी, बाकी शॉप के ऊपर आपको 10 रुपए का कुछ नहीं मिलता। तो ये जनाब ये रेडी है इनकी। हाँ सब मकई मकई लगाओ यार, मकई और चने मिक्स, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा, और ये जनाब मकई और चने आपको ज़्यादा ताज़ा कर देंगे बचपन की, उसमें मकई भी डालेंगे, ये मकई है जनाब, और वो चले हरी नमक है। अच्छा ये नमक है, मैं समझता था इस पर रेत भी होती है, लेकिन नमक है ये हाँ, जैसे जैसे वो जनाब ये पकता है कहते हैं ये काला होता जाता है, तो देखने में ऐसे ही लगता है जैसे ये रेत है, लेकिन रेत नहीं, ये नमक है, नमक के अंदर जनाब ये पकाते हैं हाँ जी। और ये जनाब कुछ ही देर में इंशाल्लाह ये जनाब हमारा जो तैयार हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको और चीज़ें भी दिखाता हूँ जब तक ये रेडी होता है, बल्कि रेडी हो चुके हैं, बस हो गया रेडी,
ये जो चने हैं इसको भिगो के रखते हैं ना पहले, ये देखें ये कच्चे चने हैं जो इसको भिगो के रख के फिर सुबह के टाइम ये लेके आते हैं। और ये भी मकई इसी तरह ही है। और ये जनाब आपको मूँगफली अगर चाहेंगे तो मूँगफली भी मिलेगी गरमा गरम, छिलके वाली भी और छिलके के बगैर भी। ये जनाब हमारी मकई तैयार हो रही है, सर्दियों की कह रही है सुगात है। ये गर्मा गर्म मैं टेस्ट भी करने लगा हूँ। गार्डन चापन में भी आप डलवा सकते हैं जनाब। ये देखिए ये हमारी जनाब मकई और चने तैयार हो गए। अच्छा मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ इनके पास जो गर्मा गर्म जनाब मूँगफली है बगैर छिलकों के, वो ये है जनाब कच्ची है। ये कच्ची है, इसको जनाब उसके नमक के अंदर पकाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ये रात को तैयार करते हैं जी। हाँ ये कच्ची है और जब कच्ची आप खाएंगे मूँगफली वो कड़वी होगी। मूँगफली खाने का टाइम तब होता है जब इसको ये पका लेंगे नमक में। और ये हाँ साहब है जनाब जी और वो बता रहे हैं जी ये वाला जो है ना ये मकई ये जो ये मूँगफली जो है ये बिल्कुल तैयार है जी। तो ये भी टेस्ट करते हैं। ये देखें जनाब ये देखें जनाब पीनट ये भी हम खाते हैं। कह रहे जी सर्दियों की सुगात है। अच्छा मैं बताने लगा था कि आपको सस्ती चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको महंगी वाला ड्राई फ्रूट भी मिलेगा इनसे। ये देखें ये काजू बादाम भी है इनके पास और ये पहलवानी जो रेवड़ी है ये भी इनके पास मिलेगी आपको। हाँ साहब ये मुझे चेक करवाना है ये वाला जो तो ये बड़ा स्पेशल होता है जी, ये लाजमी आप भी लीजिएगा यहाँ से। ये क्या है जी ये पीनट रेवड़ी। अच्छा पीनट रेवड़ी ये देखिए जनाब ये जो है ये पीनट रेवड़ी है यानी कह लें मूँगफली पे उन्होंने मीठा चढ़ाया हुआ है और तिल और तिल भी। ये भी टेस्ट करते हैं। वाह जी वाह यकीन जाने बहुत मज़े की चीज़ है ये लाल भी टेस्ट कीजिएगा। और इसके साथ साथ जनाब अखरोट हैं ये देखें और ये है जी मलोख। ये मलोख भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं यानी बड़े सस्ते होते हैं, ये इतना महंगा नहीं होता लेकिन ये भी ड्राई फ्रूट में मलोख जो है ये भी बेचे जाते हैं। और ये भी मीठी चीज़ है कुछ चने महाने हैं। चने महाने ये हाली महाने हैं जी, ये चनों के अंदर मिक्स करके फिर ये सेल करते हैं यानी ये जो चने हैं ये वाले इसमें ये मुहाने डालेंगे। और ये भी बड़ा सेल होता है इनका। और अखरोट भी है कागजी अखरोट इनके पास ये यानी माशाल्लाह पूरा ड्राई फ्रूट का हर सामान मिलेगा आपको यहाँ से। और इनका गिला मैंने आज दूर किया है, चले मुझे एक दो दफ़ा मेरे सब्सक्राइबर भी हैं तो मुझे बोला कि आप तो बड़ी बड़ी शॉप्स पर जाते हैं तो आप इधर क्यों नहीं आते। तो ये देखें ये चिमनी है। अच्छा ये मूँगफली आप बना रहे हैं जी। और ये देखिए चिमनी कैसी बनी हुई है कि इसमें से सारा जो उसका वो धुआँ है वो निकल रहे हैं। ये देखिए कैसा एक ही जगह पे उन्होंने जनाब ये सारा छोटी सी रेडी है जिसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स और ये आपको पीनट भी गर्मा गर्म मिलेंगे। ये देखिए चैनल ज़रूर मेरा आपने सब्सक्राइब करना है और यहाँ से आपने जो सियालकोट के लोग हैं वो लाजमी यहाँ से ख़रीदारी भी करें। ये मेरा जनाब आपसे रिक्वेस्ट भी है ताकि इनका जो गिला है वो हमारा जनाब दूर हो जाए। ये देखें और यहाँ से आपको प्राइस जो है काफ़ी कम प्राइस में मिलेगी। अगर आप किसी चीज़ दुकान से जाके लेते हैं तो वो बहुत महंगी देते हैं और क्वालिटी भी अच्छी होगी और चीज़ भी आपको अच्छी मिलेगी यहाँ से। ड्राई फ्रूट बहुत होता है लेकिन अभी ये हफ्ता हो गया ना कम हो गया, अभी कल इंशाल्लाह और लेके आऊँगा। हाँ तो वो बोल रहे हैं कि जी अभी ड्राई फ्रूट आपको कम नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो गया, अब इंशाल्लाह कल फिर और मज़ीद लेके आएँगे। तो ये नहीं उनका मतलब है कि हमारी दुकान खाली नहीं है, ये बड़ी होती है लेकिन आज थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कम नज़र आ रहा है आपको। ये तो ये बड़े बड़े शॉपर होते हैं पूरा फुल होते हैं यहाँ तक फुल होते हैं ये सारे। हाँ ये हफ्ते का हफ्ते में सामान लेकर आता ना हफ्ते का हफ्ते हाँ मैं फ्रेश माल लेके आता हूँ। सही सही कह रहे हैं बिल्कुल फ्रेश माल मैं लेकर आता हूँ जो ये सेल करते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और भी है ये देखें ये गचक ये भी बच्चे खाते थे हम बचपन में खाते, ये भी पीनट की बनती है गचक जो है। और ये जो है ये भी गुड़ की ये गुड़ की है लाल वाली गचक
दाल की कचर। ये जो मेरे व्यूवर्स आउट ऑफ कंट्री में हैं वो मिस करते होंगे ये चीज़ें, और सर्दियों का मौसम है और आप देखें हर बंदे ने जैकेट पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, और वो ठेले वाले पे भी मैंने ब्लॉग किया था जो आपको लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, और ये इन्होंने जनाब स्पेशल मुझे रिक्वेस्ट की और फिर मैं इनके पास आया हूँ। ये देखिए जी, ये जनाब पठान है जो खान साहब हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो इनकी रेडी से ज़रूर आप आके लेके जाइएगा। पूरा मैंने जनाब आज आपको ये पूरी रेडी का विज़िट करवा दिया, और ये देखें नीचे लकड़ी के साथ जनाब ये आग जलाते हैं, ये देखें, ये देखें, ये जनाब नीचे रेडी के नीचे आग जल रही है, ऊपर पूरा जनाब ये लकड़ी का भी सामान रखा हुआ है जो आग जला रहे हैं जिसके साथ, और साथ ऊपर ड्राई फ्रूट और मकई, हर चीज़ आपको देखें छोटी सी जगह पर मिल जाएगी। चले यहाँ सब बाय बाय कर दें हमें भी आप ले जनाब, वो कह रहे जी इधर ब्लॉग ख़त्म करने लगा हूँ मैं, तो लाजमी आपको मेरा एड्रेस फिर बता देता हूँ। ये देखिए ये पुल बड़ा मशहूर है हादवाई रोड का, और सामने ESC ये मुल्तानी ढाबा, और उसके सामने ये रेडी लगाते हैं जी। रात 10 बजे भी जो है ना ये आपको यहाँ मिलेंगे, रात 10 बजे भी, 12 बजे तक। अच्छा, वो कहते हैं रात 12 बजे तक मैं इधर ही होता हूँ। तो ये जनाब ज़रूर आप ब्लॉग शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को, जगह मैंने आपको समझा दी है। तो अब वापस चलते हैं जी घर। जी और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आपको वो ठेला दिखाया और वो साहब भी दिखाए हैं जो कि गिला भी कर रहे थे मेरे साथ कि आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाते हैं और हमारा ब्लॉग नहीं करते। तो अब जनाब स्पेशल उनके लिए मैं आज गया हूँ, बल्कि उनसे टाइम लिया बकायदा जाके कि यार मैं इस टाइम आऊँगा तो आपका इंशाल्लाह वो गिला दूर करेंगे। तो यकीन जाने जो जो चीज़ें मैंने खाई हैं, मकई खाई है वहाँ से, और जो पीनट था गर्मा गर्म पीनट का अपना ही मज़ा है, यानी ऐसे लग रहा था जैसे हर चीज़ जो है बिल्कुल फ्रेश आपको मिल रही है और बड़े ही सस्ते दामों में। हालांकि दुकान पे अगर आप जाते हैं किसी ड्राई फ्रूट पे तो बहुत महंगा ड्राई फ्रूट है, और ये बेचारे जनाब अगर आप 50 रुपये का भी कोई चीज़ लेते हैं तो आपको मिल जाएगी यहाँ से, तो इनको सपोर्ट भी करना चाहिए। मेरा मकसद भी यही था कि यार इनको भी लाजमी ब्लॉग में लेकर आना चाहिए। तो आप कभी गुजर हो यहाँ, ये सियालकोट में जगह जगह यानी कह लें काफ़ी ज़्यादा आपको ये ठेले मिलेंगे, इनसे ज़रूर आप ख़रीदारी किया करें। तो इस तरह के अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब भी करना है, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।